बच्चों हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 5, चैप्टर 12 हेरॉन्स फॉर्मूला स्टैंडर्ड 9th। सो क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 12:17:25, पेरीमीटर 540, फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, सो आपको साइड्स ऑफ ट्रायंगल दी हुई है, ठीक है, पेज 203। क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 12.1, ठीक है, क्या दी हुई है साइड्स, ए इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे कभी भी ऐसे रेशियो दिया हो ना, रेशियो, सो कभी भी रेशियो दिया हो तो रेशियो का मतलब क्या होता है कि कोई वैल्यू है, एक और कोई वैल्यू है। जैसे 12:17:25 है तो 12x 17x 25x है, ठीक है। सो रेशियो मतलब कोई वैल्यू दी होती है, ठीक है। तो लेट ए इज इक्वल टू 12x, बी इज इक्वल टू 17x, सी इज इक्वल टू 25x, ठीक है। सो लेट ए इज इक्वल टू 12x, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है 12:17:25, ठीक है। पेरीमीटर दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर और एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। बी है 17x और सी है 25x, ठीक है। सो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ थ्री साइड्स, तीनों साइड्स का टोटल, उसे पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। सो 12x प्लस 17x प्लस 25x, तीनों का प्लस करेंगे, 12, 17 और 25 का प्लस करेंगे, सो क्या आएगा, तीनों का प्लस करो तो 54x आएगा, 12 प्लस 17 प्लस 25, x का x सेम। अच्छा, पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, 540 सेंटीमीटर, सो देयर फोर 540। अब x फाइंड करना है, ठीक है, x फाइंड करना है आपको, सो 540 अपॉन 54, सो x 54 वन जा, 54 टेन जा, सो x इज इक्वल टू 10। तो a फाइंड करना है, b c, x क्या है 10, 120, सेवेंटीन टेन 170, 25 10, देखो 12 × 10 = 120, 17 × 10 = 170, 25 × 10 = 250, ठीक है। सो तीनों वैल्यूज मिल गई आपको, ए बी और सी। अब सिंपल आपको एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। सो एरिया इज इक्वल टू, एस माइनस ए, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अच्छा, एस क्या है, सो एस मतलब सेमी पेरीमीटर होता है, मतलब पेरीमीटर का आधा। देखो क्वेश्चन में पेरीमीटर 540 दिया हुआ है, ठीक है, सो 540 का आधा सेमी पेरीमीटर, एस क्या होता है, पेरीमीटर का आधा होता है, तो एस फाइंड करेंगे। सो एस इज इक्वल टू पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर क्या है 540, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, सो एस इज इक्वल टू 540 अपॉन 2, ठीक है। सो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 2, 7 × 14 = 0, सो एस इज इक्वल टू 270 सेंटीमीटर, एस इज इक्वल टू 270 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 270 है, 270 माइनस 120, 120, 170, 250, ठीक है, 120, 170, 250, सो इज इक्वल टू अंडर रूट 270, 270 में से 120 गए तो 150, 270 में से 170 गए तो 100, 270 में से 250 गए तो 20, तो देखो 27 10 जा
फिफ्टीन टेन जा हंड्रेड है, टेन टेन जा और ट्वेंटी है टू टेन जा। तो देखो दो की पेयरिंग एक करके बाहर निकालो, ये दो है तो एक करके बाहर निकालो, ये दो है तो एक करके बाहर निकालो। अब अंदर क्या बचा, ट्वेंटी सेवन फिफ्टीन टू टेन, टेन टेन जा हंड्रेड। अब देखो यहाँ पे इसको भी सॉल्व करते हैं, ट्वेंटी सेवन को कैसे लिखते हैं, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन, फिफ्टीन को थ्री फाइव जा, टू को टू और टेन को टू फाइव जा। ठीक है, सो दो का एक करें, दो का एक, दो का एक, फिर सेम यहाँ पे दो का एक और ये दो का एक। ठीक है, सो हंड्रेड, दो थ्री हैं तो एक थ्री, दो थ्री हैं तो एक थ्री, दो फाइव है तो एक फाइव, दो टू है तो एक टू। ठीक है, देखो ट्वेंटी सेवन है, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन, फिफ्टीन थ्री फाइव जा फिफ्टीन, टू का टू, टेन का टू फाइव जा टेन। सो दो का एक, दो का एक, दो का एक, दो का एक। ठीक है, सो हंड्रेड मतलब आप पेयरिंग कर रहे हो, स्क्वायर रूट है ना, तो दो की पेयरिंग करते हैं, थ्री थ्री जा नाइन, फाइव टू जा टेन। ठीक है, सो हंड्रेड टेन जा थाउजेंड, नाइन जा नाइन थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन फाइव में कौन सी दो चीजें डिफरेंट थी, एक तो आपको रेशियो दिया हुआ था, दूसरा पेरीमीटर। रेशियो मतलब एक्स ट्वेल्व एक्स सेवनटीन एक्स ट्वेंटी फाइव एक्स, पेरीमीटर का मतलब आपको पेरीमीटर दिया होता तो एस क्या होता है, उसका आधा होता है, सेमी पेरीमीटर उसका आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, ठीक है ये ए बी सी है और पेरीमीटर, तो देखो मैंने क्या किया, पेरीमीटर दिया होता तो पेरीमीटर तो पता ही है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, ये तो आपने बचपन से पढ़ा है, ए प्लस बी प्लस सी। सो मैंने पेरीमीटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी की फॉर्मूला लगा के एक्स फाइंड कर लिया, फिर वैल्यूज डाल दी सबकी एक्स की। ठीक है, फिर एरिया मिल गया मुझे। अच्छा एस के लिए मैंने क्या किया, पेरीमीटर का आधा, ये जो पेरीमीटर दिया होता एस के लिए उसका आधा किया। ठीक है, सो ये है मेरा आंसर। अच्छा आप देखते हैं सिक्स्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर देखें, एन आइसोसेलस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर 30 है और इक्वल साइड्स 12 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, उसका पेरीमीटर 30 है और दो इक्वल साइड्स से उसका 12 है, तो आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है। अब जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो इन्फॉर्मेशन हम लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो आपको क्या क्या दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, आइसोसिलस ट्रायंगल है पेरीमीटर 30, सो ट्रायंगल कौन सा दिया हुआ है, सिक्स्थ आइसोसिलस ट्रायंगल। पेरीमीटर क्या दिया हुआ है 30 और एरिया और क्या दिया हुआ है, ईच ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स, ईच ऑफ इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ईच साइड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब दो साइड्स टू इक्वल साइड्स, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो आप सिंपली फिर से देखो आइसोसेलस ट्रायंगल बना लेते हैं। तो देखो दो इक्वल साइड्स दी हुई है 12। ठीक है, सो ये 12 है, ये 12 है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और ये आपको x, ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है, x साइड नहीं दी हुई है तो वो x है। तो देखो पेरीमीटर है 30। ठीक है, सो देखो पेरीमीटर 30 है, पेरीमीटर 30। मैंने पेरीमीटर का मतलब बताया ना क्या होता है, सम ऑफ थ्री साइड्स, तीनों साइड का टोटल।
सो दे आर फोर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30. तो 12 प्लस एक्स, ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व 24 प्लस एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू 30 माइनस 24, तो एक्स इज इक्वल टू 6. एक्स 6 सेंटीमीटर है, ठीक है. सो एक्स हुआ आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, आपको देखो तीनों मिल गया है, ये 12 मिला और ये 6 मिला, ठीक है. तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करें. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. तो देखो एस कैसे मिलेगा, फिर से वही देखो, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर 30, तो एस क्या होता है, पेरीमीटर का आधा. एस मतलब सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का आधा. सो एस भी निकाल लेते हैं. सो एस इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2, सो 30 अपॉन 2, सो 30 डिवाइड 2 क्या होगा, 15. सो एस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है. सो 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, ठीक है. सो देखो 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6, ठीक है. सो 15 में से 12 गए 3, 15 में से 12 गए 3, 15 में से 6 गए 9. अब यहाँ देखो 15, अब यहाँ देखो फिर से दो दो की पेयरिंग करके बाहर निकालेंगे. सो एरिया इज इक्वल टू 15 3 3 9 का 3 3, ठीक है. 15 है तो 15 अंडर रूट 15, और ये 2 का है, देखो 2 का 1, सो 2 3 का 1 3, 2 3 का 1 3, सो 9 रूट 15. एरिया इज इक्वल टू 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. सो ये था आपका क्वेश्चन 6. मतलब पेरीमीटर का मतलब, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स होता है. दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 30. तो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, और सेमी पेरीमीटर क्या होता है, इसका आधा होता है, ठीक है. यहाँ देखें, अब होमवर्क देख लें. होमवर्क में मैंने जो सम्स कराए हैं वैसे ही होमवर्क दे रही हूँ. पहले एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 देखो रेशियो वाला है, तो मैंने रेशियो वाला कराया है आपको. यहाँ पे एक्सरसाइज में मैंने 5th नंबर अभी कराया. सो होमवर्क एग्जाम्पल 3, ठीक है. और इसके बाद फिर आपका मैंने एक और होमवर्क दिया था, क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 12.1 में, क्वेश्चन 3 एग्जाम्पल 3, फिर क्वेश्चन 3 तो ये दो ही सम्स आपके होमवर्क में, एग्जाम्पल 3 और एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 में तो सिंपल हैरॉन फॉर्मूला लगानी है, और एग्जाम्पल 3 तो क्वेश्चन 5 जैसा ही एक्सरसाइज 12.1, ठीक है. सो क्लास वर्क भी करना, होमवर्क भी करना, और मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है. चलें, थैंक यू.